बस यही कहूंगा आजमगढ़ की धरती से कि आप देख लीजिए, आज देश का बच्चा बच्चा चाहता है, हर कोई चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, और इस मिशन में आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। और हम लोग जो है वो यही चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा देश और शक्तिशाली बने। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन की लोग हैं जो निजी स्वार्थों से उनको रोकना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। इसलिए मैं आया हूं कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को रुकना नहीं चाहिए, बस इसमें आप लोग साथ दीजिए। अखिलेश यादव से सर अपनी किस तरह की टक्कर मारते हैं? जी अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पर वो गलत राह पे हैं, हम सच के साथ हैं और हमेशा जीत सच की होती है। थैंक यू। सपा चाहिए और नचिना पदीना नहीं चाहिए। फिर बंद करके रुक जाइए, पहले कर लीजिए, अभी हम कर लेंगे दोबारा। बोलिए 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 बोलिए। अरे चाची देश देखी चलिए। कोई चुनौती नहीं है आजमगढ़ में, क्या चुनौती है? आजमगढ़ जो है वो मेरा घर है, गाजीपुर आजमगढ़ आपको जैसा पता है, और मैं जब भी कोई फिल्म बनाया हूँ तो आजमगढ़ में ही बनाया हूँ। आजमगढ़ को बहुत करीब से जानता हूँ मैं, गाजीपुर में पैदा हुआ हूँ, और पूर्वांचल की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। बाकी लोग हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े घर में पैदा हुए हों, बड़े राजा के घर में पैदा हुए हों और आज वो आजमगढ़ में आए हों आजमगढ़ का दुख दर्द समझने के लिए, पर उस दुख दर्द को वो समझ पाएगा जो वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ खेती किया है, गृहस्थी किया है, उसको मालूम होगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि वहाँ की मूल जो समस्याएँ वो है क्या। मैं खेतों में पानी भराया हूँ, मैं जब खेत में बिया पता चल कि सूखा था तो कैसे उसमें पानी भर भर के जियावे के, वो हमके मालूम है। सिंचाई का कितना ज़रूरत बा वो हमके मालूम है, और उसे कैसे लोग जूझत हूँ वो हमके पता है। जो जो भी समस्या, चाहे वो रोज़गार की समस्या, जो भी समस्याएँ हैं, सब मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आज चुनाव में, वो बात ये है कि एक तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ गठबंधन है जो निजी स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है,
हमें उन स्वार्थी लोगों के साथ थोड़े जाना है जो हमें जाति के नाम पे, हमें क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा करके और उसका खुद लाभ उठा रहे हैं और हमें जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हम जो है उस व्यक्ति के साथ हैं जो व्यक्ति देश के हित में सोचता है, अपना पूरा जीवन जो व्यक्ति देश के लिए न्यौछावर कर रखा है, जिन्होंने दुनिया में भारत को इसने मजबूती से प्रेजेंट किया है, पूरी दुनिया देख रही है कि वाह आज भारत कहां से कहां पहुंचा है, उसकी ताकत को देखो। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देखे। तो बात यह है कि एक तरफ है वो जो देश के साथ खड़ा है और एक तरफ वो लोग हैं जो गठबंधन बना के उसके विरोध में निजी स्वार्थ में खड़े हैं। अखिलेश यादव को आजमगढ़ ने आजमगढ़ में के लिए चुना अखिलेश यादव ने अपने को जी, तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ यादव बाहुल एरिया है, हाँ, मुस्लिम 51% है जी, और आपको भाजपा ने दिया इसलिए कि आप भी यादव हैं जी। कौन बड़ा यादव, अखिलेश यादव या दिनेश लाल यादव? नहीं नहीं, अखिलेश भैया तो मेरे बड़े भाई हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। यादव कौन बड़ा? यहाँ बात तो यादव की है ही नहीं ना, यहाँ चुनाव जो है, यहाँ सिर्फ इस बात से आपको जनता नहीं चुनेगी कि आप यादव हैं। अगर यादव के हिसाब से आप चुनाव लड़ने आएंगे तो आप बुरी तरह मात खाएंगे, क्योंकि आज जो देश है वो किसी और तरफ और समस्याओं की तरफ अपना जो है विचार कर चुका है, अपना दिमाग लेके जा चुका है कि देश की और बाकी समस्याएं क्या है। जाति के नाम पे लोगों को इकट्ठा करके एक शक्ति बनाना ये बहुत अच्छी बात है, पर उस शक्ति का प्रयोग आप कहाँ कर रहे हैं? अगर उस शक्ति का प्रयोग आप देश के हित में करते तो हम आपके साथ हैं, पर आप देश के विरोध में जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ना बने और आप भी वही चाहते हैं, आप पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो हम आपके साथ नहीं हैं। आप यादव हैं, पर हम यादव हैं, पर हर यादव आज ये बात मानता है कि भैया हम यादव हैं इसलिए हम अखिलेश भक्त नहीं हैं, हम देशभक्त हैं। और ये बात ही मैं बताने के लिए आया हूँ कि यादवों को ये मत समझिए आपकी ये यादव हैं तो बस ये अखिलेश जी जो कहेंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारी अपनी भी सोच है, हमको भी पता है कि देश का भला किस में है, देश का हित किस में है, और जाति से ऊपर उठ के आपको समझना पड़ेगा और लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस बार जाति से ऊपर उठ के वोट देंगे 100%, और मैं इसलिए ही आया हूँ। मुझे चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर कोई प्यार करता है, हर कोई बहुत शान से कहता है अरे मेरा बेटा है, ये पूर्वांचल का बेटा है, इसने हमारा नाम रोशन किया है। चाहे वो सपा के प्रचार में भी थे आप तो इसी तरह का प्यार कर देते थे लोग। मैं एक कलाकार के रूप में, लेकिन इस बार तो भाजपा की तरफ से आप प्रचार करेंगे जी जी जी, बताएंगे कैसे बताएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये जो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है ये मेरा सबसे मेरे जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन है, सही डिसीजन है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जिसके लिए चुनाव होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब यही है ना कि भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना जो है प्रतिनिधि चुने, और हर व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वो भारत का प्रतिनिधि बने। पर जो बाकी लोग हैं आप उनको देख लो, वो आज भी उनके अंदर वंशवाद चल रहा है, राजतंत्र चल रहा है, पहले बाप फिर बेटा फिर उसका बेटा, ये कौन सा लोकतंत्र है? इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं, ये तो समाजवाद, समाजवादी पार्टी है तो नहीं, तो असली समाजवाद अगर आपको देखना है, मैं वही कहता हूँ, समाजवादी पार्टी सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर वो समाजवाद है। अगर नेताजी के बाद आप किसी ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को या ऐसे नेता को जिसके अंदर क्षमता है आप उसको दे देते पार्टी की जिम्मेदारी, तो हमको लगता कि हाँ यार ये समाजवादी पार्टी है, ये पूरे समाज को लेके चलती है। पर नहीं, आपने तो वंशवाद दिखाया, बाकी लोगों ने भी वही किया, पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सच में लोकतंत्र का मतलब बताती है कि लोकतंत्र क्या है। आज आप देख लीजिए श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी पहले क्या करते थे पार्टी के लिए, एक साधारण कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे,
प्रचारक के बाद उन्होंने अपना मेहनत जारी रखा और उनके अंदर वो क्षमता थी, तो आज वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं लोकतंत्र। ये होती है लोकतांत्रिक पार्टी जो आपको पूरा अधिकार देती है। ये नहीं कि मैं आज पार्टी का हेड हूँ, कल मेरा बेटा बनेगा। ये लोकतंत्र नहीं है।